हेलो माय डियर स्टूडेंट्स तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पाइथन में ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में हम जानेंगे कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है और ये कैसे काम करता है और इसका हम लोग एक एग्जाम्पल बना के समझेंगे कि कैसे ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ किया जाता है उसको कैसे यूज़ में लाते हैं ओके चलिए स्टार्ट करते हैं तो ब्रेक पाइथन में एक स्टेट, ब्रेक स्टेटमेंट है और एक इसे कीवर्ड भी कहते हैं तो इसे स्मॉल लेटर में लिखा जाता है हमेशा तो ब्रेक इज़ अ कीवर्ड इन अ पाइथन तो ब्रेक का यूज़ क्या होता है तो अगर हम बात करें ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किसी भी लूप को रोकने के लिए किया जाता है जब भी हम कोई लूप चलाते हैं और उसमें हमें किसी पर्टिकुलर कंडीशन में लूप को ब्रेक करना होता है लूप को रोकना होता है तो उस टाइम पर हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं वैसे तो लूप अपनी कंडीशन फॉल्स होने पर अपने आप ही रुक जाता है लेकिन जो ब्रेक स्टेटमेंट है इसका यूज़ हम तब करते हैं जब कंडीशन ट्रू होने के बाद भी यानी कि फॉर लूप या वाई लूप अगर आप यूज़ कर रहे हो तो दोनों की कंडीशन अगर ट्रू भी है और उसके बाद भी अगर हमें फिर भी रोकने की ज़रूरत है किसी पर्टिकुलर कंडीशन में किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हम चाहते हैं कि हमारा लूप रुक जाए तो हम उस जगह पर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं और उस लूप को रोक देते हैं तो ये हमारे ब्रेक का काम होता है जिसको हम फॉर और फाइल दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं चलिए देखते हैं किस तरीके से हम ब्रेक स्टेटमेंट को एक फॉर लूप के अंदर या बाई लूप के अंदर अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम एक लूप चलाते हैं जैसे कि फॉर तो हमने लिखा फॉर और फॉर आई इन रेंज एक लूप चलाया ब्रैकेट में जैसे कि हम इस लूप को वन से एलेवन यानी कि वन से टेन चलाना चाहते हैं सो हमने वन से एलेवन लिख दिया अगर हम यहाँ पर नॉर्मल प्रिंट आई करते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है तो अगर हम नॉर्मली प्रिंट आई करेंगे तो ये लूप चलेगा और चल करके एक से लेके कर दस तक की गिनती को प्रिंट करेगा चलिए हम इसको थोड़ा सा आउटपुट भी कर लेते हैं कुछ इस तरीके से तो हमने देखा यहाँ पर एक से लेके कर दस तक की काउंटिंग प्रिंट हो गई लेकिन हमें क्या करना है हम चाहते हैं कि लूप तो चल रहा है वन से ले कर यहाँ पर वन से ले कर तक लेकिन हम चाहते हैं कि जो प्रिंटिंग है यानी कि जो लूप है वो रुक जाए हमारा सिक्स आने पर यानी कि जब आई सिक्स हो जाए तो उस टाइम पर हमारा ये लूप रुक जाना चाहिए तो हम कैसे ये काम कर सकते हैं कि जब आई की वैल्यू सिक्स हो जाएगी तो ये लूप ब्रेक हो जाना चाहिए लूप रुक जाना चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर एक इफ़ लगा देंगे इफ़ जिसमें एक कंडीशन बना देंगे कि जब आई की वैल्यू सिक्स के इक्वल हो जाए यानी कि आई डबल इक्वल सिक्स तो जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये ब्रेक स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जब आई इक्वल को सिक्स हो जाए तो ये ब्रेक हो जाए तो ये कुछ इस तरीके से हमने ब्रेक को इस इफ के अंदर रख दिया तो अब क्या होगा जब ये लूप चलेगा तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन के लिए इसे चलना है तो ये जब वन के लिए चलेगा तो ये कंडीशन अंदर आके फॉल्स रहेगी तो ये इसको छोड़ते हुए नीचे प्रिंट आई तक पहुँचेगा और आई वन को प्रिंट कर देगा फिर आई की वैलू टू होगी अंदर आएगा कंडीशन फिर से फॉल्स है टू प्रिंट कर देगा ऐसे थ्री भी कर देगा फोर भी कर देगा फाइव भी कर देगा उसके बाद जब आई की वैल्यू सिक्स होगी और लूप के वो अंदर आएगा तो इफ़ की जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी क्योंकि आई की वैल्यू सिक्स है और यहाँ पर भी लिखा है कि यदि आई इक्वल कोल सिक्स है यानी कि कंडीशन ट्रू हो गई आई की वैल्यू सिक्स पे तो ये अंदर आ जाएगा और उसे ब्रेक स्टेटमेंट मिलेगा और ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा लूप को रोक देगा और ये यहाँ से बाहर निकल आएगा तो कुछ इस तरीके से हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट को फॉर के अंदर यूज़ करते हैं तो फॉर का सिंपल ब्रेक का सिंपल सा यूज़ है कि अगर आप लूप कहीं ज़्यादा तक चल रहा है पर आप किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे आके लूप को रोकना चाहते हो तो उस टाइम पर हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं कभी 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 अपना जो लॉजिक लगाते हैं उसमें क्या होता है कि हमें पता नहीं होता है कि हमारा आंसर कब आने वाला होता है तो हम उसमें एक कंडीशन लगा देते थे कि हमें नहीं पता कि ऐसा कब होने वाला लेकिन जब कुछ ऐसा हो जाए तो उस टाइम पर ये लूप रुक जाना चाहिए तो अगर कोई पर्टिकुलर कंडीशन पे आके हमारा आंसर आने वाला है और हम वहाँ पे लूप को रोकना चाहते हैं तो उस टाइम पर हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे कुछ कंडीशन वंडीशन लगा के कि यदि जब ऐसा हो जाए वैसा हो जाए तो वहाँ पर ब्रेक हो जाए तो कुछ इस तरीके से हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं चलिए हम एक बार इसको रन करते हैं तो हम देखेंगे कि इस प्रोग्राम से एक से लेकर पाँच तक की काउंटिंग प्रिंट होगी क्योंकि आई कुल सिक्स होने पर ये लूप ब्रेक हो जाएगा तो हम लोग एफ प्रेस किया और इसको रन किया तो हमने देखा कि फाइव तक की काउंटिंग प्रिंट हुई और उसके बाद यहाँ पर सिक्स सेवन एट नाइन टेन नहीं आ पाया क्योंकि हमारा लूप रुक चुका है ओके okay, तो आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर लूप में हम कैसे ब्रेक को यूज़ करेंगे सेम एज़ अगर हम इसको वाई लूप में यूज़ करना चाहते हैं तो देखिए हम क्या करते हैं वाई लूप में भी हम जैसे एक से लेकर दस तक की काउंटिंग को प्रिंट कराते हैं तो आई इक्वल वन उसके बाद वाइल ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आई लेस इक्वल टेन क्योंकि हम टेन तक लूप चलाना चाहते हैं यहाँ पर लिख देंगे कॉलन साइन और प्रिंट आई अगर हम फिलहाल में भी प्रिंट आई कर देते हैं तो क्या होगा कि ये एक से ले कर दस तक लूप चलेगा और टेन तक की काउंटिंग प्रिंट करेगा तो छोटी सी गलती हो गई यहाँ पे हमें i इज इक्वल टू आई प्लस वन भी लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वाइल में अपने आप से वो इंक्रीज़ नहीं करता है तो आई इजल टू तो आई प्लस वन यहाँ पर लिख देते हैं ओके हम रन करेंगे तो हम एक से ले कर दस तक की गिनती को देखेंगे कि वन से लेकर टेन तक का काउंटिंग यहाँ पर प्रिंट हो रहा है तो ये तो हमारा काम हो गया कि एक से लेकर तक की गिनती लेकिन हम चाहते हैं कि जब आई वैल्यू सिक्स हो तो उस टाइम पर ये लूप रुक जाना चाहिए जब सिक्स हो जाए तो ये लूप रुक जाए तो हम उसके लिए यहाँ पर एक इफ़ डाल देंगे और यहाँ पर लिख देंगे जब आई इक्वल सिक्स हो तो कंडीशन ये ट्रू हो जाएगी और इसे ब्रेक मिल जाएगा और यहाँ से ये जो लूप है उसको रोक देगा तो अभी क्या है ये लूप सिर्फ फाइव तक चलने वाला है क्योंकि आईकल सिक्स पे ये ब्रेक हो जाएगा तो सिक्स पे वो अंदर तो आएगा लेकिन की कंडीशन मिल जाने की वजह से और वो ट्रू हो जाने की वजह से उसे ब्रेक मिल जाएगा और ये लूप से बाहर उसको कंट्रोल को निकाल देगा और लूप हमारा फिर टेन तक नहीं चलेगा तो वैसे अपने आप लूप टेन पे रोकने वाला था लेकिन कंडीशन ट्रू होने के बाद भी यानी कि वाइल्ड की कंडीशन ट्रू थी लूप की कंडीशन ट्रू थी उसके बाद भी हमने ब्रेक स्ट्रम का यूज़ करके इस ब्रेक को लूक दिया तो हम लोग एफ़ प्रेस करेंगे और इसका आंसर देखेंगे तो हमने यहाँ पे देखा कि वन टू फाइव यहाँ पे काउंटिंग प्रिंट हुई है और उसके आगे वो प्रिंटिंग नहीं दे रहा है ओके okay. तो ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग फॉर और वाइल्व में ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद